अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें अपने घर के डंकी पंप के प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए कौन सी बोकी लगाना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास नायलॉन का बना हुआ बोकी है और इसके अलावा जो चमड़े की बोकियाँ होती हैं आम तौर पर ज़्यादातर लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये चमड़े की बनी हुई बोकियाँ हैं और ये नायलॉन की बनी हुई बोकियाँ हैं। अब इन दोनों में किसका रिजल्ट बेस्ट है, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं। नायलॉन वाली बोकी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि बहुत पहले ये बोकियाँ मिलती थी, अब ये बोकियाँ जो हैं मार्केट से गायब हो गई हैं, लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पहले इसे इस्तेमाल किया था वो इन बोकियों को ढूंढ रहे होते हैं और ये आसानी से मिलती नहीं है। तो ये बोकियाँ क्यों बंद हो गई और इसकी जगह चमड़े वाली बोकी हर जगह में क्यों मिल रही है, आइए अब इस पर बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास डंकी पंप का गिलास है जिसके अंदर बोकियाँ चल रही होती हैं। अब ये जो नायलॉन की बोकियाँ हैं, ये देखें, मैं इस गिलास में लगा रहा हूँ। बोकियाँ लगने के बाद जो है इतनी जाम हो जाएं कि जैसा कि आप डंकी पंप में देखते हैं यहाँ पे पार्टीशन बना हुआ होता है, तो इधर वाला पानी इधर नहीं आना चाहिए। बोकियाँ अंदर इतनी ज़्यादा जाम हो जाएं कि इधर वाला पानी इधर नहीं आए या फिर इधर का पानी इधर ना आए, ये काम ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं होगा, यानी इधर आप पानी डाल रहे हैं एक पार्टीशन में और दूसरे पार्टीशन में पानी पहुँच जा रहा, तो उस सूरत में आपका जो पंप है वह पंपिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देखें, आपको इसके अंदर हल्का हल्का गैप नज़र आएगा। ये देखें, दूसरे साइड से भी आप देखें, यहाँ भी आपको मामूली सा गैप नज़र आएगा। और ये बोकी, ये चमड़े की बनी हुई, इसे हम डाल रहे हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा गैप है, ये तो बिल्कुल लूज़ है। लेकिन चमड़े वाली ही बोकी कामयाब है, ये वाली बोकी कामयाब नहीं है, क्योंकि ये देखें, चमड़े वाली जो बोकी है ये पानी में फूल के बिल्कुल इसमें फिक्स हो जाती है। जब हम इसे लगाते हैं उस वक्त तो ये लूज़ होती है, लेकिन आधा घंटे के बाद ये पानी में फूल के गिलास के अंदर बिल्कुल जाम हो जाती है। फिर जो है आपका इस पार्टीशन का पानी यहाँ पे नहीं आता है और इसकी पंपिंग अच्छी होती है। और अगर आप इस बोकी को लगा देते हैं तो उस सूरत में क्या होगा, थोड़ा सा भी गैप होगा तो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, जिसकी वजह से पंप जो है वो पंपिंग नहीं करेगा और प्रेशर नहीं बनेगा। इसी वजह से नायलॉन की बोकियाँ जो हैं वो बैंड हो गई हैं। नायलॉन की बनी हुई बोकी को आप कट साइज़ के गिलास में चला सकते हैं। अब देखें, ये जो है ब्रास का बना हुआ गिलास है, ये भी फुल साइज़ का बना हुआ है, फुल आधी का है, तो इसमें जो है आप नायलॉन की बोकियाँ डालेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा लूज़ होगा। तो इस बोकी को आप छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बोकी को जब आप पानी में डालते हैं तो ये फूल जाता है और गिलास के हिसाब से वो उतना ही बड़ा हो जाता है। आधी का गिलास में अगर आपने इसको डाला और ये बिल्कुल लूज़ है, तो ये आधे घंटे बाद ये खुद फूल के इस गिलास के बराबर का हो जाता है, जबकि ये खूबी इस बोकी में नहीं है। मसला तब बनता है, बहुत से कट साइज़ के गिलास होते हैं, वो इससे भी छोटे होते हैं, उसमें क्या होता है, ये बोकियाँ बिल्कुल जाम जाती हैं। और जब बोकी जाम जा रही है और जब ये बोकी फूल जाती है तो क्या होता है, पंप भी जाम हो जाता है। तो उस सूरत में फिर हमें परेशानी होती है, कभी कभार पंप रिपेयर करने के बाद ये फॉल्ट हमें देखने को मिलता है कि पंप जाम हो जाती है और फिर बहुत जान लगा कर उसे घुमाना पड़ता है, तो बाद में हमें पता चलता है कि उसमें बोकियाँ जाम हो गई हैं। तो उसमें जो है या तो ओवर साइज़ का बोकी लगा दिया जाता है या फिर गिलास जो है वो कट साइज़ का होता है, आधी की बोकी लगाने के बाद जब बोकी फूल जाती है तो वो जो है जाम हो जाती है इसके अंदर, जिसकी वजह से मोटर जो है उसे सही तरह से घुमा नहीं पा रहा होता है। तो कट साइज़ के गिलास में आपने छोटे साइज़ का बोकी लगाना है, और अगर छोटा साइज़ का बोकी नहीं मिल रहा तो उस जगह पे नायलॉन वाली बोकी कामयाब हो जाती है और ये जो है जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। नायलॉन वाली बोकी में ये खूबी है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि ये हर गिलास के लिए नहीं है। जो कट साइज़ के गिलास है उनमें ही आप नायलॉन वाली बोकी को लगा सकते हैं, और जो फुल साइज़ का गिलास है उसमें नायलॉन वाली बोकी को आप लगाते हैं तो उस सूरत में क्या है, प्रेशर नहीं बनेगा। तो हासिल कलाम यह है दोस्तों कि हमें अपने घर के डंकी पंप के प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए चमड़े वाली बोकी लगानी चाहिए, नायलॉन वाली बोकी जो है वो पूरी तरह से कामयाब नहीं है। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।